हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये पौधा है पुदीने का पौधा। बहुत ही अच्छी मेरे इसमें ग्रोथ रही और पूरे विंटर ये प्लांट मेरे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते रहा। अब जैसे कि मौसम बदल रहा है, कटिंग लगाने का सुइटेबल मौसम आ चुका है, यानी फरवरी और मार्च। अगर आप भी कोई कटिंग लगाना चाह रहे हैं तो बेशक आप इस टाइम लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वो कटिंग चल जाती है। तो इसी तरह से मैं आज पुदीना की भी कटिंग लगाने वाली हूँ। और बहुत ही अच्छा पौधा होता है, हमारे रोजमर्रा में अपने किचन में यूज करते हैं, इसीलिए हर कोई ये पुदीना का पत्ता जो है, ये पुदीना जो हर्ब्स है, इसे लगाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं भी इसे लगाती हूँ, वैसे मैं किचन गार्डनिंग नहीं करती हूँ, बहुत रेयर ही कोई पौधा ऐसा होता है जिसे मैं लगाती हूँ, लेकिन एक पुदीने का जो ये पौधा है ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे लगाती हूँ और इजी टू ग्रो भी है। तो फ्रेंड्स, इसे कटिंग से किस तरह से लगा सकते हैं आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पौधा है जिसे इजीली आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा जद्दोजहद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है आपके पास स्पेस नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हैं। आप अपने बालकनी में भी पुदीना बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा धूप की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। तो आप इसे किसी भी तरह से लगा सकते हैं, पॉट में, हैंगिंग पॉट में, कैसे भी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस तरह का एक वेस्ट प्लास्टिक बॉटल, जो कि आप देख सकते हैं, इसमें मैं आज ये पुदीने को ग्रो करूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे होल मैंने बना रखे हैं, और ये होल आप किसी भी गर्म चीज़ को यूज़ करके आप होल बना सकते हैं प्लास्टिक का बॉटल, क्योंकि बहुत ही आसानी से होल बन जाता है। और इस तरह के बॉटल्स हमारे घर में अक्सर ही पड़े रहते हैं और हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है इसे यूज़ करने का। और पुदीने का जो पौधा होता है, ये इसके रूट बहुत डीपली नहीं जाते हैं, इसीलिए छोटी से छोटी जगह में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज जो मैं पुदीने की कटिंग लगाऊंगी वो मैं इसी में लगाने वाली हूँ, इसीलिए ऑलरेडी मैंने इसे तैयार कर लिया है, छेद वगैरह कर लिए हैं। अब इसे मैं पहले हैंग करने के लिए इसे टाई कर लूँगी, कि जिससे कि मैं इसमें जब मिट्टी डालूँ और पत्ते लगाऊँ, ये पौधे की कटिंग लगाऊँ, तो मैं इसे हैंग कर सकूं। तो सबसे पहले हैंग करने के लिए मैं इसमें इस जो बॉटल है इसे पहले मैं रेडी कर लेती हूं। इस तरह से मैंने इसे हैंग करने के लिए एक वायर से इसको सपोर्ट दे लिया, एक वायर मैंने इसमें लगाया। आप चाहें तो जूट की रस्सी भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे टेरेस पे रखना है और जूट की रस्सी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, इसीलिए मैंने ये आयरन का जो वायर होता है, लोहे का वायर, वही मैंने लगाया है, जिससे कि ये लंबे समय तक चले। अब फ्रेंड्स, इसमें मैंने नीचे होल किया है, होल को कवर अप करने के लिए, जैसे कि पानी हम डालें तो उसकी मिट्टी निकले ना, इसीलिए कुछ एक ठिकरियाँ मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे कि सीधे नीचे से मिट्टी ना निकले। वैसे तो काफ़ी सारा होल है, कुछ दिनों तक हमें ये लगते रहेगा कि हमारे इसमें से मिट्टी बाहर आ रही है। तो इस तरह से मैंने ये कर लिया है। अब लेना है हमें मिट्टी, तो मिट्टी तैयार करनी है, और मिट्टी के लिए मैं ले रही हूँ नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो कि आप देख सकते हैं। तो मेरे गार्डन में जो भी मिट्टी मैं यूज़ करती हूँ उसमें मैं काफ़ी रेत, अच्छी क्वांटिटी में रेत मैं मिक्स करती हूँ, इसलिए मेरी जो भी गमलों की मिट्टी होती है वो थोड़ी रेती होती है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें लिया है पत्तियों की खाद, और थोड़ा सा मैंने नीम खली, जो कि पाउडर फॉर्म में है, उसे भी मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स किया। और फ्रेंड्स, पुदीने का पत्ता, पुदीने का जो पौधा होता है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है अगर आप इसे एकदम रेतीली मिट्टी में लगाएं, या तो आप कोकोपीट यूज कर लीजिए या फिर आप इसमें रेत अच्छे से यूज करिए। सख्त मिट्टी में ये प्लांट बहुत अच्छे से नहीं ग्रो करता है, इसलिए जितनी हल्की, जितनी सॉफ्ट मिट्टी देंगे ये पौधा उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो मैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोकोपीट नहीं है, इसीलिए मैं इसमें रेत मिक्स कर रही हूँ, और रेत अच्छी क्वांटिटी में हमें मिक्स करना है। तो इस तरह से मैं इसमें रेत मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद एक बहुत ही अच्छी सी रेतीली सी मिट्टी तैयार कर लेना है हमें, और इसी में फिर हमें ये पुदीने की कटिंग को लगाना है। फ्रेंड्स,
आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये भर लिया है, और भर के क्योंकि ये स्टेबल रखना है इसीलिए एक बार के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और अब ले लेंगे हम इसमें से कटिंग, अब इसमें से हम कटिंग ले लेंगे, कुछ इतनी बड़ी बड़ी कटिंग हम ले लेंगे जिससे कि हमें वो लगाने में थोड़ी सहूलियत हो, जस्ट इतनी बड़ी बड़ी। और इस तरह से कटिंग लेके इसकी जितनी भी नीचे की लीव्स है उन सभी को फ्रेंड्स हमें हटा देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से मैं ढेर सारी कटिंग ले लूँगी, जो कि मैं इसमें जितने भी मैंने होल किए हैं मैं उन सभी में इसे लगा सकूं। तो लगाना बहुत ही सिंपल है, इस तरह की कटिंग लेनी है और कुछ इस तरह से हमें इसमें इसे पुश कर देना है। और क्योंकि मैंने रेतीली मिट्टी ली है इसीलिए बहुत ही आसानी से ये अंदर की तरफ पुश हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि ये अंदर की तरफ नहीं जा रहा है तो आप इस तरह से कुछ नुकीला सा कुछ लीजिए, उसमें होल करिए और फिर इसे कुछ इस तरह से इसके अंदर पुश कर दीजिए। और फ्रेंड्स इस तरह से मैं सारे ही जितने भी होल मैंने इसमें बनाए हैं मैं सारे में ये प्लांट इस तरह से कटिंग करके लगा लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। से फ्रेंड्स हम इसे तैयार कर लेंगे एकदम से। ढेर सारी कटिंग्स मैंने इसी बॉटल में लगा ली है जिससे कि कुछ ही समय के बाद जैसे ही ये ग्रोथ लेगा और हमारा ये जो बॉटल है आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी भर जाएगा, क्योंकि एक कटिंग को कवर अप करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी कटिंग लगाई है इसीलिए बहुत ही जल्दी कवर अप भी कर लेगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। कहीं पर भी अगर हम इसे हैंग करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अगर आप बालकनी में अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से ज़रूर अपने बालकनी में प्लांट लगाएं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा लुक देने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांटर विदाउट एनी कॉस्ट हमारे पास बनके तैयार हो जाता है। और इस तरह से आप भी ज़रूर बनाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट ढेर सारे प्लांट भी तैयार करें और एक प्लांटर भी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स इसे अब हम करेंगे वाटरिंग, और वाटरिंग करने के बाद इसे मैं हैंग कर दूंगी और कुछ दिनों के लिए थोड़ा सेमी लाइट में रखेंगे इसे, उसके बाद इसे डायरेक्ट धूप में भी निकालेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि काफ़ी बार इस तरह से जब हम प्लांटर बनाते हैं तो हमें काफ़ी क्वेश्चन होती है मन में, हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि इतने सारे छेद जो हमने किए हैं, तो जैसे ही हम वाटरिंग करेंगे तो सारे ही छेद से फ्रेंड्स पानी निकलने लगेगा और इधर उधर बिखरने लगेगा पानी। शायद जहाँ आप इसे टांगे इसे हैंग करें वहाँ थोड़ी गंदगी भी हो जाए क्योंकि पानी के साथ थोड़ी बहुत मिट्टी भी बाहर आएगी। तो जब भी आप इसे वाटरिंग करें नीचे इस तरह से कुछ रख के फिर इसमें वाटरिंग करें जिससे कि कुछ भी जो भी मटेरियल बालू मिट्टी जो भी इसमें से निकले तो वो आपके फर्श को गंदा ना करे। जैसे जैसे मिट्टी इसमें सेट होने लग जाएगी इसमें मिट्टी बैठ जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम कुछ ही दिनों तक होगी जब तक मिट्टी अच्छे से सेट नहीं हो जाता। उसके बाद फ्रेंड्स ये हैंगिंग प्लांटर वाकई में बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो आगे जैसे जैसे मेरा ये प्लांट ग्रोथ करेगा मैं अपने गार्डन ओवरव्यू वगैरह जो देती रहती हूँ उसमें आपके साथ शेयर जरूर करूँगी कि ये कैसा दिख रहा है। और यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। तो आप भी इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हैंगिंग प्लांटर बनाइए और साथ ही साथ फ्री में ढेर सारा प्लांट भी तैयार करें। तो अब चलिए कर लेते हैं इसमें वॉचिंग, और वॉचिंग करके इसे कर देते हैं हैंग।